सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब, हम रेडी हैं चलने के लिए। आज की डेस्टिनेशन है हैदराबाद। उससे पहले जाना है हमें एप्पल के सर्विस सेंटर, वहाँ से लेना है अपने मैकबुक एयर का एडेप्टर, सो दैट वी डू अवर वर्क एंड एडिट अवर वीडियोज मोर इफेक्टिवली। एंड उसके बाद 500 किलोमीटर का राइड, तो मिलते हैं रोड पे। सो गुड मॉर्निंग, हम घूम रहे हैं नागपुर की गलियों में, गलियां या सड़कें। फिलहाल एक रेडियन टेक्नोलॉजी से बात हुई है, एप्पल के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में भी बात हुई थी, बट दे कोटेड 5000 समथिंग एंड दिस वन कोटेड 3000 समथिंग फॉर द सेम एडेप्टर। 2000 रुपये ज़्यादा क्यों देने का, एप्पल ऐसा क्यों करता है? खैर, तो हम जा रहे हैं अभी रेडियन टेक्नोलॉजीज विद द हेल्प ऑफ गूगल। आई होप सही जगह जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी पूरा सामान नहीं बांधा है, वो होटल में ही छोड़ दिया है, क्योंकि आई डोंट नो बाइक कहाँ खड़ी करनी पड़े, पार्किंग में जाना पड़े, तो उतना वो टेंशन नहीं लेना चाहता था। ये कोई लेक जैसे लगता है लेफ्ट में। सो एडेप्टर हमें मिल गया यहाँ पे। क्या शॉप का नाम क्या है? एडिशन। अगर आपको रिफर्बिश्ड मैक या मैक एप्पल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें चाहिए हो, रिपेयर कराने हो, तो इज़ द बेस्ट प्लेस आई थिंक इन नागपुर। एंड थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। यू ऑल्सो गॉट अनदर प्रोडक्ट एज वेल, कार्ड है, कुछ जरूरत रहे मेरी। श्योरली लेट मी नो आप हिमालय जब भी जाए, क्योंकि मैं आपको वहीं मिलूंगा आसपास, और मैं रहता भी वहीं हूँ कुल्लू के पास में। अच्छा, सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू रेज अ रिसोर्ट दिस ईयर। अच्छा, शांगर करके जगह है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बोलते हैं उसको, सेंज वैली, तीर्थन वैली सुना है आपने? तीर्थन के बगल वाली वैली है सेंज वैली। अच्छा, सो मेरा वहीं पे रहना है वो डेफिनेटली। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है। जी जी, मैं कर लूँगा आपको, टच बेस करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके भाई, जा रहे हैं होटल की तरफ वापस, वहाँ से अपना लगेज उठाते हैं और कूच करते हैं हाईवे की तरफ, हाईवे टू हैदराबाद। सो वी आर ऑल सेट टू रोल। आज किलोमीटर्स काफ़ी है, तो उस हिसाब से वी आर अगेन लेट, बट होपफुली वी विल टच हैदराबाद सम हाउ। Here we go. Exact 500 kilometers for Hyderabad. Almost double hai karta hai.
का 10 तो बजना ही बजना है, बाकी देखते हैं। क्या बात है, बीजेपी को ये देखना चाहिए इसका नाम बदल देंगे वो तुरंत ही। कांग्रेस के नाम पे नगर कैसे हो सकता है। अच्छा मेट्रो स्टेशन का ही नाम है कांग्रेस नगर। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बीजेपी को बहुत बुरा लगता होगा। नागपुर में मैं देख रहा हूँ चाय की दुकानें बहुत सारी हैं, काफी शौकीन लगते हैं इधर के लोग चाय के। चहा मराठी में बोलते हैं, चहा। एक साल पुणे में रहा हूँ तो काफी आइडिया है वैसे मराठी खान पान और लोगों का। फिर मैंने पहली मोटरसाइकिल खुद के पैसों से खरीदी, वो पुणे में ही खरीदी, एलेक्सा 350 5S TBES। इसका मतलब था 5 गियर डिस्क ब्रेक इलेक्ट्रिक स्टार्ट, एंड गियर रॉयल एनफील्ड का पहला मॉडल था तो डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट में आया था बुलेट में। लॉन्गेस्ट इन द एशिया। ट्रैफिक से निजात।
अभी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है इस रोड पे। शैडो को भूख लग गई थी मेरी भूख से पहले ही, और हमें रिलायंस का पेट्रोल पंप दिखा, सोचे यहीं से डला लेते हैं, क्वालिटी थोड़ी ठीक रहती है, थोड़ा महंगा ज़रूर रहता है बट मोटरसाइकिल की रनिंग में फ़र्क आता है इधर के पेट्रोल से। तकरीबन 11 लीटर टैंक फुल है अभी हमारा, एंड आई थिंक हैदराबाद तो नहीं पहुँचाएगी, 477 किलोमीटर चल पाएगी, मुश्किल है और डालना पड़ेगा आगे जाके। तो हम देखते हैं ट्रिप बी, ये बी अभी हो गई 13 किलोमीटर। So fuel is done and let's roll. खाना खा लिया गया है मनोराज गार्डन बार एंड रेस्टोरेंट पे। सो
ऑब्जर्वेशन इज थोड़ा ठीक ठाक खाना है तो बार एंड रेस्टोरेंट पे ही रुकना पड़ेगा इस रूट पे, क्योंकि नॉर्मल तरह के होटल्स नहीं है। उस चक्कर में मुझे 50 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा चला गया मैं कि कोई चलो नॉर्मल मिल जाए। थोड़ा सा महंगा है बट इट्स ओके, चीज़ें सारी अवेलेबल थी। तो हैदराबाद है अब 350 किलोमीटर्स, एंड टाइम हो रहा है 5 PM। आज तो रात के 12 बजने वाले हैं। सोलो है तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम आराम से निकलते हैं। ऐसे सुबह आराम से निकलो ना तो दिन भर मूड बढ़िया रहता है, मतलब थोड़ा सा फिर लेट हो जाए करनी पड़ती है।
सनसेट बड़ी जल्दी ही दिख गया, तो हमने सोचा ब्रेक ले लेते हैं और जरा देखो इस सनसेट को कितना प्यारा है। टिपेश्वर सेंचुरी के पास, यहाँ हमने किया सूरज को बाय बाय और अब निकलेंगे आगे की ओर। बट आपको टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखा देंगे अंधेरा होने से पहले। यहाँ से राइट में है 1 किलोमीटर, ऑफकोर्स हम उस तरफ को नहीं जाएंगे, डोंट हैव द टाइम, बट आई थिंक उसका फील यहाँ भी आ जाएगा, इस रोड पे भी आ जाएगा। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है तो उसका फील रोड पे को आती है। सो एरिया में बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर खाना खा लिया है यार, इधर टॉयलेट्स भी है। चलो बाद में जाओ। Right.
कामा रेड्डी अराउंड 125 किलोमीटर्स बिफोर हैदराबाद एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द राइड टुडे. इट वाज एन अमेजिंग राइड, नो हिकअप्स व्हाटसोएवर. आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे. सो सी यू ऑन अनदर डे विद अनदर राइड, अनदर व्लॉग.